गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन कंटिन्यूशन विद द क्रॉपिंग सिस्टम टुडे वी विल डू सम मेजर क्रॉपिंग सिस्टम्स इन इंडिया। मेजर क्रॉपिंग सिस्टम्स इन इंडिया, द मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स द कल्टिवेशन अ नंबर ऑफ क्रॉप्स एंड रोटेट अ पर्टिकुलर क्रॉप कॉम्बिनेशन ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 ईयर्स। सो इंडियन फार्मर जो हैं वो रोटेशन करते हैं एक पर्टिकुलर क्रॉप की, इसे बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम। सो साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किए मोर देन 250 क्रॉपिंग सिस्टम बीइंग फॉलोड थ्रू आउट द कंट्री। पूरे इंडिया में 250 से ज़्यादा क्रॉपिंग सिस्टम है जो कि फॉलोड हो रहे हैं। 30 मेजर क्रॉपिंग सिस्टम है जो कि ज़्यादा प्रेविलेंट हैं और ये मोनोक्रॉपिंग ड्यू टू मॉइस्चर और थर्मल लिमिटेशंस की वजह से बार करते हैं। दीज 30 मेजर सिस्टम्स हैं राइस का, जैसे आप ले लें राइस का जो है उनका वीट, राइस, ग्राम, मस्टर्ड, ग्राउंडनट और सॉर्गम के साथ हैं। कॉटन का है वीट, ग्राम, सॉर्गम, सैफ्लावर और ग्राउंडनट के साथ हैं। मेज़ का वीट और ग्राम के साथ हैं। इसी तरह से जो सॉर्गम का सॉर्गम के साथ है, ग्राउंडनट का वीट, सॉर्गम का ग्राउंडनट, ग्राउंडनट का राइस, सॉर्गम वीट, सॉर्गम ग्राम और पिजन पी का सॉर्गम। सॉर्गम बेसिकली फॉडर क्रॉप है, इसको लोकल लैंग्वेज में वी कॉल इट अ चरी। सो मेजर क्रॉपिंग सिस्टम में जैसे पर्ल मिल्ट है, बाजरे के साथ आप ग्राम का हो सकता है, मस्टर्ड का हो सकता है, चरी का हो सकता है, शुगर केन का वीट के साथ है, सॉर्गम को मोस्टली ग्राउंडनट, ग्राउंडनट के साथ ग्राउंडनट या सॉर्गम को राइस के साथ है। साउथ इंडिया में जो है स्पेशली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में 3 क्रॉप्स जो है ऑल्सो ग्रोन इन एन ईयर अंडर वैली इरीगेशन। सो 3 क्रॉप सिस्टम जैसे हैं उसमें है राइस, राइस, राइस हो जाएगा या राइस के साथ फिंगर मिल्ट होएगा या वेजिटेबल्स होएंगी, या थर्ड वन राइस के साथ सॉर्गम चेंज हो जाएगा, थर्ड वन पल्स भी होएंगी, पल्सेस हो सकती हैं, राइस के साथ ग्राउंडनट, उसके बाद सॉर्गम, राइस के बाद ग्राउंडनट, फिर फिंगर मिल्ट और राइस और सॉर्गम, ग्राउंडनट, सीसम। ये बेसिकली एक साल में हम जो है रोटेशन बेसिस पे विद इन 1 ईयर फसल जो है लें उसे हम बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। इंटरक्रॉपिंग सिस्टम एक डबल क्रॉपिंग है। इंटरक्रॉपिंग का मतलब है ऐसे एरिया में रिकमेंड करते हैं यहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो है 600 से 800 मिलीमीटर हो, तो इस एरिया में वन ऑफ द कंपोनेंट क्रॉप सक्सीड इन प्रसीडिंग इकोनॉमिक ईयर्स इवन इफ़ मेजर पार्ट ऑफ द सीजन इज नॉट आइडियल फॉर द क्रॉप। जो रो रेशो होती हैं ऑप्टिमाइज टू मिनिमाइज कॉम्पिटिशन एंड येट रियलाइजिंग ऑप्टिमम बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स आर अडेप्टिव सीरीज वेयर द प्लांट पॉपुलेशन ऑफ कंपोनेंट क्रॉप्स इज मेंटेन्ड इक्वल टू अ सोल क्रॉप। जैसे प्रोमिसिंग इंटरक्रॉपिंग सिस्टम फॉर डिफरेंट लोकेशंस, ये आपको नेक्स्ट एक टेबल में आपको दिखाया जाएगा कैसे इंटरक्रॉपिंग करते हैं। अब इंटरक्रॉपिंग बेसिकली ये कि ऑलरेडी जो एक क्रॉप है उसके साथ जो लेस कॉम्पिटिटिव क्रॉप है इन बिटवीन, जैसे एक रो है मेन क्रॉप की तो साथ में एक रो दूसरी कौन सी आ जाएगी जो लेस कॉम्पिटिटिव क्रॉप है उसको लगा देना। तो एक ही टाइम पे एक ही साल में एक ही खेत से जो दो फसलें उठानी है उसको हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। डबल क्रॉपिंग जो है उसमें क्या है, ये ऐसी है यहाँ पे 800 से मतलब ज़्यादा रेनफॉल हो और अराउंड 200 मिलीमीटर डेप्थ ऑफ स्टोरेज सॉइल मॉइस्चर। डबल क्रॉपिंग में क्या होता है कि रेनफेड एरिया जैसे उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है, यूपी में है, इस एरिया में जैसे ज़्यादा बारिश है इसमें क्या करते हैं एडजस्टमेंट इन द सोइंग डेट्स। जैसे अर्ली प्लांटिंग एंड हार्वेस्ट ऑफ खरीफ क्रॉप्स जो है उनकी प्लांटिंग जो है पहले कर देंगे और बारिश से पहले पहले उसको हार्वेस्टिंग कर लेंगे। और डबल क्रॉपिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन मालवा, प्लेट्यू एंड ब्लैक सॉइल्स ऑफ रलेसमिया एंड कोस्टल एरिया ऑफ आंध्र प्रदेश।
तो इसका सिस्टम भी हम कल पढ़ेंगे कि डबल क्रॉपिंग जो है वो कैसे करते हैं और इंटर क्रॉपिंग में क्या डिफरेंस है, कौन कौन फसलों की हम इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं और किन किन की हम डबल क्रॉपिंग कर सकते हैं।